तो पंडित जी, अगर बात कर ली जाए शिव चालीसा, जैसे आपने कहा देवों को देव महादेव, तो इसके पढ़ने के नियम क्या हैं और किस वक्त अगर इसको पढ़ा जाए, कैसे नियमों के साथ इसको पढ़ा जाए तो उसका अच्छा प्रभाव होगा? देखो ऐसा है, माघ मास में शिव चालीसा का पाठ करना सभी शुभ फलों को बढ़ाता है। सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। गाकर अगर शिव चालीसा का पाठ किया जाए तो ज्यादा लाभ मिलता है। सुबह स्नान करके उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। हल्के रंग के कपड़े पहनकर बैठना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले भगवान शिव को अक्षत, धूप, दीप, सफ़ेद चंदन और सफ़ेद आग के फूलों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को मिश्री और बतासे का भोग लगाना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करने से पहले एक लोटा जल भर कर रखना चाहिए। हाथ में अक्षत, फूल और जल लेकर संकल्प लेना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ विषम संख्या में करें, जैसे 3, 5 या 11 शिव चालीसा का पाठ, और चालीसा का पाठ जल्दबाजी में न करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको शिवलोक की प्राप्ति हो तो माघ के महीने में एक महीने का प्रयाग में कल्पवास लगता है, जहां लोग टेंट लगा करके और एक महीने तक रहते हैं, फलाहार करते हैं, शाम को एक समय भोजन करते हैं, नित्य संगम में स्नान करते हैं। और वहाँ रह करके अगर आप माघ महीने में वहाँ रहकर अगर आपको सौभाग्य मिला है और आप शिव चालीसा का रोज 100 पाठ करना शुरू कर दें, या एक महीने में आप पूरा शिव पुराण पढ़ डालें, तो आप विश्वास करिए आपने अपने अंतिम यात्रा का टिकट रिजर्व करवा लिया है। अब आपको लेने के लिए यम के दूतों की हिम्मत नहीं है को आएंगे, अब यमराज के दूत आपको लेने के लिए नहीं आएंगे। अब आपके लिए मृत्यु शोक नहीं, महोत्सव होगा, क्योंकि भगवान शिव के पार्षद आपको लेने आएंगे। आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी, आप अधोगति को प्राप्त नहीं होंगे, आप उत्तम गति को प्राप्त होंगे। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है कि वहाँ जाकर आपको किससे मिलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ आपके रहने की व्यवस्था है, क्या आप करेंगे, तो आप वो यात्रा बहुत बेचैनी से करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ से आप अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका का टिकट है आपके पास, वहाँ रहने के लिए आपके लिए आवास है, वहाँ किससे आप मिलेंगे ये निश्चित है, किससे मिलकर आपका क्या काम होगा ये निश्चित है, तो आपके मन में न तो भय होगा न क्षोभ होगा, बल्कि आप खुशी से हवाई जहाज पे चढ़ जाएंगे और वहाँ पहुँच के उतर जाएंगे और सुखपूर्वक वहाँ रहेंगे। इसी तरह से हमारी भी तो आखिरी यात्रा होनी है, लाइन में तो हम सब लोग लगे हुए हैं आखिरी यात्रा के, किसका कब नंबर आ जाएगा कौन जानता है। तो भाई आखिरी यात्रा की भी तो तैयारी हो जानी चाहिए। 3 दिन की यात्रा करते हो तो कपड़े रखते हो, ब्रश रखते हो, मंजन रखते हो, अपनी दवाइयाँ रखते हो, और आखिरी यात्रा इतने लंबे दिनों की होने जा रही है, उसकी कुछ तैयारी है, उसके लिए कुछ तैयार किए हो, क्या लेकर जाओगे? यहाँ से तो माचिस की तीलियों नहीं जाएगी साथ में, कुछ लेकर जाने के लिए तो बना लो, नहीं तो एक अगरबत्ती दिखाओगे तो भगवान से कुछ मांग लोगे, अगर एक बतासा चढ़ाओगे तो भगवान से कहोगे कि मुझे चीनी मिल दे दीजिए, माला फूल चढ़ाओगे तो कह दोगे कि बस बेटे की शादी करवा दीजिए। हर चीज में मांगना, कुछ तो ऐसा कर दो यार जिससे कह दो कि इसका मुझे कोई फल नहीं चाहिए। भगवान से ये कहते हुए कह दो, भगवान ये जो मैंने किया ना, इसका कोई फल मुझे नहीं चाहिए, बस मैंने कर दिया। ऐसा भी तो करिए। और जब शिव चालीसा कंठस्थ हो जाए तो इसका प्रभाव जल्दी पड़ता है।
शिव चालीसा का पाठ करने के लिए लोटे में रखे जल को घर में छिड़कना चाहिए और पौधों में भी डालना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करते समय शंख नहीं बजाना चाहिए। क्यों नहीं बजाना चाहिए? शंखचूर्ण को भगवान ने मारा था शिव ने, और वो उनका दुश्मन है, इसलिए न तो शंख से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और न ही शिव पूजा में जो है शंख बजानी चाहिए। और भगवान को तुलसी भी मत चढ़ाना भूलकर। तुलसी पत्र भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है, केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, ये दो चीजें ध्यान में रखना। और हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए कि हल्दी जमीन से प्रकट होती है, भगवान शिव संहारक हैं, उनको राख चढ़ाई जाती है, कुमकुम भी उनको नहीं चढ़ाया जाता है। ये सब बातें ध्यान देने योग्य हैं, अज्ञानतावश लोग चढ़ा देते हैं। हाँ, अगर शिव में आप पार्वती का भी रूप देख रहे हों कि शिव में ही पार्वती माता समाहित हैं, उनके निमित्त अगर आप चाहें, माँ पार्वती के निमित्त आप चाहें, तो सिंदूर, गुलाल, अबीर, हल्दी सब चढ़ा सकते हैं। क्योंकि शिव, शिव में जो ई अक्षर है, शिव में जो ई है, यही माँ पार्वती है। शिव में से अगर ई निकाल लिया जाए तो शिव हो जाएगा सव, अर्थात माता पार्वती के सहित ही हर समय भगवान शिव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शक्ति निकलने के बाद शिव भी सव हो जाते हैं, इसलिए शक्ति के साथ भगवान शिव हैं। जिस शिवलिंग की आप पूजा करते हैं वो अकेले भगवान शिव नहीं हैं, उसी में माँ पार्वती भी निवास करती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी।